आज की स्टूडियो में देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। दोस्तों जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम क्या है, आधार कार्ड को लोन कैसे ले और मुद्रा लोन ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे इस और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में आज की स्टूडियो में देखेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मकसद छोटे छोटे कारोबारियों को अपना नया काम शुरू करने या पहले से जो शुरू किए गए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से 50,000 से 10 लाख रुपए तक लोन देने की व्यवस्था की गई है। ये यहाँ एक गरीब लोन योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा छोटे कारोबारियों को बैंक से आसान शर्तों में ऋण देने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों मुद्रा लोन क्या है, इसके लिए पात्रता क्या है और क्या है, आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, आपको अधिकतम कितना मुद्रा लोन मिल सकता है, यदि क्या महिलाओं को भी मुद्रा लोन मिल सकता है, तो दोस्तों ये सभी आज इस स्टूडियो में देखेंगे। मुद्रा लोन तो आपको महिलाओं को भी मिलता है और पुरुष भी को। इसमें आपका एज लगभग लिमिट आपका 18 साल से ऊपर होना चाहिए और इसमें आपका डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड और सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। दोस्तों इसमें आपका ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दर आपका मुद्रा लोन इसमें आपको पहले 2022 की बात करें जो पहले की तो इसमें 6% था और अभी 2% 31 मार्च के बाद 2% बढ़ गया है, तो इसमें 8% कर दिया टोटल। और सभी बैंक में अलग अलग इसमें ब्याज दर होते हैं। तो दोस्तों हम इसका फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और लॉगिन कैसे करना है और इसमें हम अपने बिजनेस के लिए लोन कैसे लेंगे इसके प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करन समर्थ .in पे आ जाना है। आप यहाँ पर स्कीम के सेक्शन में देखोगे एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, बिजनेस लोन, इसी के साथ में लाइवहुड लोन, यहाँ पर चार तरीके के लोन आपको ऑफर किए जा रहे हैं देखेंगे, जैसे कि मुद्रा लोन, स्वनिधि योजना लोन। तो सबसे पहले तो आपको लोन के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया इसको फिल कर देना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन डिस्क्लेमर का पेज आता है जिसमें कि इन सारे पेजेस पर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इन पेज को रीड करने के लिए स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ डाउन करना है तो आप देखेंगे ये ग्रीन हो जाता है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, पर एक ओटीपी रिसीव होगा जिसे आपको यहां पर फिल करना है और सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी को फिल करने का ऑप्शन आता है जिसमें यहां पर स्किप का ऑप्शन दिया गया, आप चाहें तो अभी इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हम स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिस भी टाइप का आपको लोन चाहिए उस ऑप्शन पे आना है। तो जैसे मैं अभी बिजनेस लोन को अप्लाई करने वाला हूं तो बिजनेस लोन के सेक्शन में हम आएंगे तो यहाँ पर हम चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने लोन की एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए एक पेज आ चुका है जिसमें कि आपका बिजनेस किस टाइप का है यहाँ पर आपको बताना है, जिसमें कि अगर आपका कोई भी हैंडलूम का बिजनेस है, साथ में यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट वेंडर है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग ऑप्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पर आपके बिजनेस के हिसाब से जो भी ऑप्शन सही लगे उसको चूज करना है। अगर ऑप्शन शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पर अदर बिजनेस का ऑप्शन दिया गया, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, किस योजना के अंतर्गत लोन मिलेगा ये पैरामीटर ही डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें कि यहाँ पर आपको पुराने बिजनेस के लिए लोन चाहिए या फिर कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले, इसके बाद में आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है या फिर ट्रेडिंग का है, और यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी जो भी आपकी कॉस्ट है चूज करना है, और कोई भी विकलांग व्यक्ति है तो उसको यहाँ पर यस करना, अदरवाइज इसको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नॉर्थ रीजन से है तो यहाँ पर यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो रहने देना है। तो यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है तो हम यहाँ पर इस सेक्शन में 5 लाख रुपए फिल करेंगे। इसके बाद में नीचे के सेक्शन में यहाँ पर पूछा जाता है कि आप खुद से ही कितना पैसा उस बिजनेस में डालने वाले हैं, कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम 10,000 रुपए फिल कर देंगे। चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक स्कीम फाउंड हुई है जिसमें कि हमारा ये लोन कवर हो सकता है, ये स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुझे 4,90,000 रुपए का लोन मिल सकता है जो कि 5 सालों के लिए मिलेगा और मंथली जो मुझे इसकी EMI पेमेंट करनी होगी वो 10,410 रुपए होगी। प्रोसीड के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पर आप देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे लोन के लिए जिसमें कि यहाँ पर आधार नंबर, पैन नंबर, साथ में उद्यम नंबर, इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है, और आप सभी को सेल डिटेल, साथ में अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा।
तो यहाँ पर हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कंसर्न पेज आता है। तो सारे ही कंसर्न पेज में इस पेज को डाउन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये सारे पेज ग्रीन हो जाते हैं। एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैन नंबर और आधार नंबर को इंटर करने का पेज आता है जिसमें कि पैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना पैन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे जिसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर फिल कर लेना है, मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर 12 डिजिट आधार नंबर फिल कर देना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देन गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ओटीपी को फिल करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फोटोग्राफ साथ में आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल दर्ज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैन कार्ड से कोई भी जीएसटी नंबर अप्लाई नहीं है जिसके लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके स्टेट में जीएसटी नंबर मॉनिटरिंग नहीं है या फिर आपने नहीं लिया है, क्या आपके बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है या फिर कोई अदर रीजन है। तो जो भी रीजन है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ बिजनेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका बिजनेस जिस भी नेम से है वो नेम यहाँ पर आपको टाइप करना है और किस डेट से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो डेट यहाँ पर आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपके कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर है और कितना मैक्सिमम सेल आपने एक कस्टमर को किया है। पूरा बैलेंस शीट बनाना है जिसमें कि हर महीने कितनी आपकी सेल होती है। इस शीट में आप सभी को हर महीने के हिसाब से आपको फिल करना है, पिछले 12 महीने में कितनी सेल की वो आपको बताना है। अब आपके सामने पेज आता है जहां पर आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स को फिल करना है जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दिए गए हैं, किस ईयर में कितनी आपने सेल की है, कितना उससे आपने प्रॉफिट गेन किया है, आपके पास में इन्वेंटरी कितनी है, साथ ही में कोई भी पेमेंट आपको रिसीव होने वाली है तो रिसीवल के सेक्शन में फिल करना है। कोई भी पेमेंट आपका वेंडर का बाकी है आपको पेमेंट करना है वो आपको क्रेडिटर्स के सेक्शन में फिल करना है। कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट को आपने परचेज किया है, आपके बिजनेस की नेटवर्थ क्या है, साथ में आपके बिजनेस पे कोई भी लायबिलिटी है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैंक डिटेल्स को स्टेटमेंट अपलोड करके फेच कर सकते हैं या फिर यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन दिया गया जिसपे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को अकाउंट होल्डर का नाम, साथ में अकाउंट कब से चल रहा है यहाँ पर वो डेट टाइप करनी है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर और कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट वही अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो बैंक डिटेल्स है वो भी सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। यहाँ पर कितने एम्प्लॉय आपके बिजनेस में वर्क करते हैं चूज करना है, बिजनेस का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है, जो भी बिजनेस का प्रोप्राइटर है उसकी डिटेल्स को फिल कर देना है। देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आता है एसोसिएट कंसर्न का जिसमें कि आप सभी के बिजनेस में कोई भी पार्टनर है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जितने भी पार्टनर्स है उनकी डिटेल्स को आपको वन बाय वन फिल करना है। कोई भी पार्टनर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले इंडस्ट्री की टैब में आना आते हैं, जैसा भी बिजनेस है आपको यहाँ पर चूज करना है। जैसे कि मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक है तो आईटी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में सेक्टर के सेक्शन में अब मुझे वो अपना डेडिकेटेड सेक्टर चूज कर लेना है और सब सेक्टर के सेक्शन में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर रिटेलर है। यहाँ पर आप सभी को अपने बिजनेस के जो प्रोडक्ट है सर्विसेस है उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में लोन डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को लोन किस लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए या फिर आपको कोई मशीनरी इक्विपमेंट परचेज करना है, जिस भी कैटेगरी में आपको लोन चाहिए आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अमाउंट को फिल करना है, इसी के साथ में जितना भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं यहाँ पर फिल कर देना है। फाइनेंशियल ईयर में कितना मंथली आपकी सेल हुई है, कितने आपके एक्सपेंस है यहाँ पर आपको बताने हैं। और यहाँ पर अगर आपकी शॉप ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत में रजिस्टर्ड है तो यस करना, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। कोई भी ड्रग लाइसेंस है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पर अगर आपके पास में कोई भी एग्जिस्टिंग लोन है किसी भी बैंक का, कितना भी अमाउंट का, तो यहाँ पर उस लोन की डिटेल्स को फिल करना है। कितना लोन का अमाउंट अभी देना बाकी है यहाँ पर डिटेल को फिल करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। यहाँ पर जो भी मैंने डिटेल्स फिल की है व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपनी डिटेल्स को अभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर एडिट करने की जरूरत है तो यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन दिया गया है जिसपे हम क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं। सबमिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है। हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है जिसमें कि नीचे की तरफ आप देखेंगे कई सारे लेंडर्स, कई सारे बैंक जो लोन को ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर उनका जो ऑफर अमाउंट है आप देख सकते हैं।
यहाँ पर जितने भी बैंक्स दिखाए गए हैं उनमें कितना लोन अमाउंट आपको मिलने वाला है, कितने टाइम के लिए मिलने वाला, कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस कोई बैंक चार्ज करने वाला है कि या नहीं, यहाँ पर डिटेल्स को देख सकते हैं। तो जो भी बेस्ट ऑफर आपको लगे, जो भी बेस्ट बैंक लगे, आपको उसके ऑप्शन पे क्लिक करना है और किसी भी बैंक से लोन को अप्लाई करने के लिए उसके आगे जो सेलेक्ट ऑफर का ऑप्शन दिया गया इस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें वो ब्रांच सेलेक्ट करनी है जिस ब्रांच से हम लोन लेना चाहते हैं। तो आपके नियरेस्ट जो भी ब्रांच है आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी स्टेट को चूज करना है। तो जिस भी ब्रांच से आप अपना लोन अकाउंट मैप करना चाहें यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर 1,00,000 रुपए का जो अप्रूवल है डिजिटल अप्रूवल मुझे मिल चुका है, जिसमें कि आप सभी को ये पैसे लेने के लिए आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने हैं। आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया गया है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे। अब बैंक की तरफ से ये जो लोन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सेंशन किया जाएगा, जिसके बाद में आप सभी के अकाउंट में जब पैसे आ जाएंगे तो लोन डिस्पर्स यहाँ पर आप सभी को शो हो जाएगा। इसी के साथ में अगर कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी इस लोन पे मिलने वाली है तो वो सब्सिडी भी आप सभी को यहाँ पर चेक हो जाएगी।